रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है जेफ्रे चौसर की पोइम है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। ये प्रोलॉग है, दीज आर नॉट टेल्स जो आपके सिलेबस में है प्रोलॉग, जिसमें सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक स्केच दिया गया है। ठीक है, ये जो जेफ्रे चौसर है जो राइटर है वो 1340 में पैदा हुआ था। ठीक है, 14th century में, और 1400 में इसकी डेथ हो गई थी। इंग्लिश पोइट था। ठीक है, और ये सिविल सर्वेंट रहा, मतलब एक ये ब्यूरोक्रेट था, कोर्टियर था, डिप्लोमेट था, और पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या इसका ऑक्यूपेशन था, तो ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, और जेफ्रे चौसर जाना जाता है, इसको कहा जाता है ये कैंटरबरी टेल्स के बाद से कि ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफ्रे चौसर को कहा जाता है। एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी बरेड इन पोइट्स कॉर्नर, जिसको अब हम कहते हैं ना पोइट्स कॉर्नर, जिसमें बड़े बड़े पोइट्स जो हैं उनको बरी किया गया है, वो दफन है वहाँ पे। ठीक है, उस जगह का नाम है पोइट्स कॉर्नर। तो उस जगह में पहला जो दफनाया जाने वाला जो पोइट था वो जेफ्रे चौसर था। ठीक है, ये वेस्टमिंस्टर एबे में पोइट्स कॉर्नर है। कैंटरबरी टेल इसने लिखी 1387 से 1400 के पीरियड में, मतलब बिल्कुल अपनी डेथ के करीब वाला जो इसका पीरियड था उसमें इसने ये कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। टोटल जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो 24 स्टोरीज हैं इसमें, मतलब इसको पिलग्रिम्स जो मिले थे वो तो जो 30 पिलग्रिम्स के बारे में इसने लिखना था। ठीक है, 29 के, लेकिन जो स्टोरीज इसने लिखी वो 24 स्टोरीज थी। और टोटल जो लाइन्स बनती हैं उन टेल्स की प्रोलॉग को मिला के और टेल्स को, वो 17,000 लाइंस बनती हैं। ठीक है, जो इसने टोटल लिखी, लेकिन जो प्रोलॉग में हमारे जो सिलेबस में लाइंस हैं, हमारे सिलेबस में लाइंस हैं प्रोलॉग की, और प्रोलॉग है 858 लाइंस का। ठीक है, तो इसके अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Why are the pilgrims going to Canterbury? ये वहाँ पे श्राइन है सेंट थॉमस बैकेट का, उस थॉमस बैकेट के श्राइन पे ये वर्शिप करने जा रहे हैं। कुछ इनके वो पीरियड होता है वहाँ पे, इन्होंने जिस आपने जाना होता है, तो ये उसके लिए जा रहे थे, टू वर्शिप द रेलिक्स ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। ठीक है, What does the squire wear? स्क्वायर जो था उसने पहना हुआ था एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स पहने हुए थे, मल्टी कलर के, उस पर फ्लावर्स बने हुए थे। ठीक है, Who marries Emily in the Knight's Tale? नाइट की टेल में एमिली से कौन शादी करता है? वो है पैलामोन। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पीपीएससी के उसमें आए हुए हैं, मैंने वो इंक्लूड किए हैं इसमें। ठीक है, तो आप इनको तैयार करें। एमिली से शादी की थी नाइट की टेल में पैलामोन ने। अकॉर्डिंग टू वाइफ बैथ बाथ, ठीक है, वाइफ ऑफ बैथ, व्हाट डू वुमेन मोस्ट डिजायर? अकॉर्डिंग टू हर सॉवरेनिटी ओवर देयर हस्बैंड्स इज द थिंग दैट वुमेन मोस्ट डिजायर। ठीक है, व्हाट डज चैंटिक्लेयर ड्रीम? चैंटिक्लेयर ने ड्रीम देखा था दैट ही विल बी टेकन अवे बाय एन ऑरेंज हाउंड लाइक क्रिएचर। ठीक है, हु आर द थ्री मैन सर्चिंग फॉर इन पार्टनर्स टेल? डेथ को सर्च कर रहे थे। ठीक है, हु इज ब्रांडेड बाय रेड हॉट पोकर इन मिलर्स टेल? वो निकोलस है उसका नाम। ठीक है, रेड हॉट पोकर इन मिलर्स टेल। विच टेल इज फैबुला? मिलर्स टेल जो है, मिलर की जो कहानी है, दैट इज अ फैबुला। ठीक है, Which pilgrim has a forked beard? ये merchant की थी forked beard, आप उसका character sketch देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। What is the moral of the nun's priest tale? That never trust a flatterer, वो सिर्फ आपको flatter कर रहा होता है, there is no reality behind that। ठीक है, और वो जो है वो आपके साथ he is not sincere। What is the wife of Bath's prologue about? Wife of Bath अपने पांच हस्बैंड्स के बारे में बताती है, वाइफ ऑफ बैथ के बारे में मशहूर है कि उसने पांच शादियां की थी, तो शी टेल्स अबाउट हर फाइव हस्बैंड्स। व्हेन डिड द कैंटरबरी टेल्स टेक्स प्लेस? इन द लेट 14th century। ठीक है, 1387 से 1400 के पीरियड में इसने ये पूरी लिखी थी। फॉर विच सोशल क्लास डिड चौसर राइट? चौसर ने ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी के बारे में, एलीट क्लास के बारे में भी लिखा है और पुअर क्लास के बारे में भी लिखा है, और जो चर्च रिलेटेड लोग थे उनके बारे में भी लिखा है। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, नन, प्रीस्ट, फ्रायर, पार्टनर, समनर, मिलर, कुक, ठीक है, प्रायरेस, मॉन्क, सबको इसने इंक्लूड किया है, स्कॉलर। What was Chaucer's profession? Chaucer civil servant था, ठीक है, bureaucrat था, diplomat था, member of parliament था। And how many Canterbury Tales are there? 24 Tales उसने लिखी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, उसने 29 या 30 नहीं लिखी, Tales उसने 24 लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी फिर डेथ होगी ना 1400 में। What is romance? Romance है a story of knights, ladies,
क्वेस्ट एंड लव, ये इसे कहते हैं रोमांस, जो आजकल हम लोग समझते हैं रोमांस, वो रोमांस नहीं होता. Which tale qualifies as part of medieval sermon? अच्छा, medieval sermon जो है, हम जिसको कह सकते हैं वो पार्टनर की टेल है, ठीक है. Which pilgrims are most richly attired? मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे. वाइफ ऑफ बैथ ने बहुत अच्छे पहने हुए थे, स्क्वायर ने, मॉन्क ने, फिजिशियन ने, फ्रैंकलिन ने, ये बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में थे, ठीक है, richly clothed थे. Which tale takes place in the Orient? Orient में दो tales हैं, the man of laws tale और squire's tale, ठीक है, दोनों ये Orient में हैं. Which pilgrim carries a brooch inscribed with Latin words meaning love conquers all? ये prioress ने पहना हुआ था brooch, अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो ये prioress के brooch पे ये mention था Latin में, love conquers all. ये लव कंकर्स ऑल का जो लैटिन इंस्क्रिप्शन है वो भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका क्या मतलब था. तो उसका मतलब है लव कंकर्स ऑल. एट व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज द पिलग्रिमेज टेक्स प्लेस? ये स्प्रिंग में हुआ था, अप्रैल में, ठीक है, इन द हाइट ऑफ स्प्रिंग ये पिलग्रिमेज इन्होंने स्टार्ट किया था. विच कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड टू द चर्च? चर्च के साथ कनेक्टेड है हमारी प्रायरेस, ओके, मॉन्क, फ्रायर, समनर, पार्टनर, ये सभी चर्च से कनेक्टेड लोग हैं. विच टेल इज़ अबाउट ए टॉकिंग फॉल्कन? टॉकिंग फॉल्कन स्क्वायर की टेल में, ठीक है. विच टेल्स आर अबाउट पेशेंट सफरिंग ऑफ वेमेन? द मैन ऑफ लॉज टेल, क्लर्क टेल एंड फिजिशियंस टेल, ठीक है, इन तीनों में है ये. वाई डज द पार्टनर अपसेट्स द होस्ट? पार्टनर ट्राइज टू सेल इंडल्जेंसेस टू पिलग्रिम्स आफ्टर ही हैज ऑलरेडी टोल्ड देम दैट ही चीट्स पीपल. के लोग फिर भी जो है वो कर रहे हैं, लोगों को पता भी है कि ये चीट करता है, फिर भी वो इंडल्जेंस सेल कर रहा है और लोगों को मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. What does the narrator wants from other travelers? वो सिर्फ उनसे इस वक्त चौसर चाह रहा था जब ये ग्रुप आया है उस अच्छा वो जो इन था जिसमें ये रुके थे उसका नाम था टैबर्ड इन, TABBARD, टैबर्ड INN, ठीक है, टैबर्ड इन में ये लोग रुके थे. तो वहाँ पे ये जब ग्रुप आया है तो चौसर वहाँ पे बैठा और चौसर को लगा कि ये बड़े इंटरेस्टिंग से उनकी पर्सनालिटीज़ लगी हैं, उसने कहा कि मुझे इनको ज्वाइन करना चाहिए ताकि मैं इनसे कुछ चीज़ें, इनकी स्टोरीज़, इनकी लाइफ स्टोरीज़ जो हैं वो निकलवा सकूं और मैं मतलब कुछ इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ लिख सके, ठीक है. इसलिए ये उन्हें कहता है कि मुझे अपने साथ ज्वाइन होने दो, मुझे अपने साथ इंक्लूड कर लो अपने ग्रुप में, ठीक है. पार्सन्स ब्रदर, पार्सन का भाई प्लोमैन है, ठीक है. कैंटरबरी टेल इज स्ट्रक्चर्ड एज, ये फ्रेम स्टोरी के स्ट्रक्चर में की गई है, ठीक है. एंड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ प्रोलॉग द नरेटर रिजॉइसेस द रीन्यूइंग सर्कल ऑफ लाइफ. ओपनिंग लाइन जो होती है वो यही कहते हैं ना कि स्प्रिंग का स्टार्ट है और जो लाइफ है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एक रीन्यूइंग सर्कल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. द नरेटर अपीयर्स टू बी, ये नाइव एंड ऑब्जर्वेंट है, ठीक है, जो चौसर था ये नाइव एंड ऑब्जर्वेंट रहा है. द पिलग्रिम हुज प्रोफेशन गिव्स हिम स्पेशल लव ऑफ गोल्ड, ये डॉक्टर के बारे में लाइन कही गई है कि उसको स्पेशल लव ऑफ गोल्ड था, ठीक है, उसका रेफरेंस दिया था उसने. वाइफ ऑफ बैथ, वाइफ ऑफ बैथ एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, ठीक है, ना वो शाय थी ना वो कुछ और थी, वो इंडिपेंडेंट थी. इमीडिएटली प्रायर टू ज्वाइनिंग द अदर पिलग्रिम्स द नाइट हैड, नाइट जो है वो दो जंगे लड़कर, कुछ जंगे लड़कर आया हुआ, बीन एंगेज इन बैटल्स ओवरसीज, तभी उसके कपड़े जो थे वो थोड़े से हुए हुए थे, जिस तरह वो जंग लड़कर आया, वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी थी चौसर ने उससे पता चल रहा था, ठीक है. द पिलग्रिम हु निग्लेक्ट्स हिज रिलीजियस ड्यूटीज इन ऑर्डर टू हंट इज द मॉन्क. मॉन्क को हंटिंग का बहुत शौक होता है, ठीक है, अगर आपने ये प्रोलॉग पढ़ा है तो आपको पता होगा. इन डिस्क्राइबिंग फ्रायर एज अ नोबल पिलर इन हिज ऑर्डर चौसर यूजेस, देखें वो फ्रायर को कह रहा है अ नोबल पिलर इन हिज ऑर्डर, उसको इज्जत का मकाम दे रहा है, तो फ्रायर के बारे में इसने जिस तरह की बातें की हैं, फ्रायर को जलील ही किया है, तो ये वाले जो वर्ड हैं ये बिल्कुल ये आयरनी है, ठीक है, आयरनी है कि उस पर तंज कर रहा है चौसर ये कहकर. What best describes the squire? Squire जो है a ladies man who plays the flute and is proud of his appearance. Squire जो है वो ऐसा बंदा है जो कि ladies को seduce कर सकता है, interest उनका ladies का उसमें develop हो जाएगा कि ये मतलब गाना बजाना कर रहे हैं और ये वो खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, तो वो कुछ इस किस्म का है, ठीक है. What best describes wife of Bath?
वेरी फैंसी ड्रेसर, ठीक है, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, ऑलवेज वॉन्टेड टू बी फर्स्ट एट द ऑल्टर टू गिव हर ऑफरिंग, और ये हमेशा ऑल्टर पे सबसे पहले पहुंचना पसंद करती थी, ठीक है, एंड मैरिड 5 times, और 5 दफ़ा इसने शादी की. वट अदर देन मिलिट्री पावर्स मेड नाइट ग्रेट, नाइट को इतना ग्रेट क्यों कहा गया, बिकॉज ही वॉज एज मॉडेस्ट एज अ मेड, किसी दोशीज़ा की तरह बेचारा मॉडेस्ट था नाइट, ठीक है, वैसे वो कितनी बैटल्स में उसने फाइट की हुई थी. द नन और प्रायरेस वॉज कंसर्न्ड विद इमिटेटिंग वट टाइप ऑफ बिहेवियर, नन और प्रायरेस दोनों ही कोर्टली बिहेवियर जो है वो इमिटेट करती हैं, जिस तरह बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड जिस तरह वो खवातीन होती हैं ना, कि जिस तरह उसके होंठ पे वो सूप का कोई कतरा भी नहीं, ड्रॉप भी नहीं लगा होगा, उसका जो हैंडकरचीफ था वो भी साफ होगा, और वो इतनी तमीज़ से खाती थी, ठीक है, कोई ड्रॉप गिर ना जाए. ही न्यू द टैवर्न्स वेल बेटर देन लेपर्स बैगर्स एंड दैट क्रू, ये फ्रायर के बारे में कहा गया है कि वो लोगों को फंसाने के लिए, उसे इतना किसी को नहीं पता था जितना फ्रायर को पता था टैवर्न्स का, कि जहाँ पे वो लोगों को कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, ठीक है, अपने मतलब के लिए. उसके बाद आता है ही वॉज एन ऑनेस्ट वर्कर गुड एंड ट्रू, ये प्लोमैन के बारे में कहा गया, गरीब आदमी है लेकिन ऑनेस्ट है, गुड है एंड ट्रू है. गुड ब्रेक डाउन अ डोर बाय रनिंग एट इट विद हिज हेड, ये मिलर के बारे में कहा गया कि मिलर इतना स्ट्रांग था दैट ही कुड ब्रेक डाउन अ डोर बाय रनिंग एट इट विद हिज हेड, कि अपने सर से दरवाजा तोड़ सकता था मिलर, ठीक है. प्रेफर टू स्पेंड हिज मनी ऑन बुक्स रादर देन ऑन गुड स्टूडेंट्स, ये क्लरिकल स्टूडेंट था, जो स्कॉलर था, जो अपने सरहाने के पास भी, तकिए के पास भी बुक्स ही रखता था, उसके पास कपड़े कम थे और बुक्स ज़्यादा थी, अगर उसको थोड़े से पैसे मिलते थे तो वो भी तब भी अपनी कोई ज़रूरत नहीं पूरी करता था, वो कहता था मैं बुक्स खरीद लूँगा, ठीक है, तो वो क्लरिकल स्टूडेंट था. वॉज डीपली इन डेट दो नो वन न्यू इट, ये मर्चेंट था, कि मर्चेंट ने अपने आप को इतना उसकी अपीयरेंस इतनी उसने अच्छी रखी हुई थी, और इस तरह से लोगों से मिलता था जिस तरह के वो बड़ा खुशहाल है, प्रॉस्पेरिटी है उसकी, ठीक है, बिजनेस में और सारा कुछ है, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है, लेकिन इंटरनली हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, इंस्टेड ही वाज इन लॉस एंड इन डेट, उस पर कर्जा था, ठीक है, लेकिन वो किसी को बताया नहीं हुआ था. इसने स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज लाइक सम वन हु ओनली लर्नड इट इन स्कूल, ये प्रायरेस फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही थी और वो इस तरह लगता था जैसे वो स्कूल में वो उसने फ्रेंच सीखी हो, मतलब ये भी इसको इसने मजाक उड़ाया है प्रायर चौसर ने इसका, नन का ना, ठीक है, प्रायरेस का. व्हाट वाज द प्राइज फॉर हु टोल्ड द बेस्ट स्टोरी, अच्छा प्राइज डिनर रखा था चौसर ने कि जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा उसको डिनर फ्री में मिलेगा बाकी लोगों की तरफ से, ठीक है. व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कुक, कुक के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब करती है उसको, oozing ulcer on his knees, एक तो उसके knees पे ulcer था, questionable hygiene, hygiene मतलब hygienic नहीं था इतना, and great cook लेकिन खाना अच्छा बनाता था. What describes the parson, parson को describe करते that he was very poor, no fancy dress at all and the ideal parish priest, बेचारा गरीब आदमी, ठीक है. What describes the pardoner, पार्टनर को देखें उसके बारे, उसकी डिस्क्रिप्शन है येलो लॉन्ग ग्रीजी हेयर, गंदे बाल, आई मोस्ट करप्ट, पार्टनर बहुत करप्ट था एंड ही इज़ गुड एट व्हाट ही डज, और जो वो करता था उसमें वो अच्छा भी था, ठीक है, मतलब अपने काम में महारत रखता था. व्हाट डिस्क्राइब्स द समनर, समनर की क्या थी डिस्क्रिप्शन, नैरो आइज, ब्लैक स्कैबी आईब्रोज, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ हिम, गुड एट व्हाट ही डज, इसकी मतलब ये थोड़ा सा हॉरिबल किस्म की इसकी डिस्क्रिप्शन है, समनर को देख के बच्चे डर जाते थे, ठीक है, ब्लैक स्कैबी आईब्रोज. व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द होस्ट, होस्ट कैसा था, टैबर्ड इन का होस्ट, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट चौसर, इट्स अबाउट होस्ट, द टैबर्ड इन्स होस्ट, उसका नाम था होस्ट का हैरी बेले, जो टैबर्ड इन का होस्ट था. ब्राइट आइज थी उसकी, अ लिटल ओवरवेट, थोड़ा सा ओवरवेट था, एंड अटेंड्स टू द पिलग्रिम्स नीड्स, और वो अपने जो पिलग्रिम्स थे उनकी नीड्स का ख्याल रख रहा है. व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द योमैन, योमैन अ लिटल टू कंसर्न्ड विद अपीयरेंस, एक्सपर्ट वुड्समैन एंड फेस ब्राउन लाइक अ नट, मतलब ये ब्लैक होगा ना, ठीक है, फेस ब्राउन लाइक अ नट. The outer frame uses dash to reveal those making this pilgrimage. जो outer frame है, जो story का frame है, वो use करता है characterization. Chaucer ने use की characterization. इनकी तो I hope आपको ये समझ आ गई होगी. Prologue to Canterbury Tales की MCQs हैं, आप इनको तैयार कर लें. Thank you so much.